सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर हितों के टकराव को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सेबी को अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लंबित जांच को पूरा करने का निर्देश जारी किया जाए। हिंडनबर्ग और अडानी मामले में नई रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ जहां सियासत उफान पर है, वार पलटवार का खेल जारी है, तो वहीं इस बीच इसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बार फिर याचिका दायर की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में जांच पूरी हो गई है उन सभी 22 मामलों से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जिन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है उन मामलों की जांच समय सीमा के भीतर की जाए। कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी सेबी द्वारा ना तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की गई ना ही उसके बाबत कोई जानकारी दी गई, तो हमारी मांग यही है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशंस दो हैं उन पे जो कंक्लूजन है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं रिमेनिंग 22 उन पे भी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। विशाल तिवारी ने 2023 में भी हिंडनबर्ग के आरोपों की जाँच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 3 जनवरी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सेबी की जांच को लेकर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट नियामक संस्था सेबी के कामकाज में दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट ने सेबी से बाकी 2 मामलों की जाँच 3 महीने में करने का निर्देश दिया था। विशाल तिवारी ने जून में एक याचिका दायर कर कहा था कि सेबी को 3 जनवरी के आदेश के मुताबिक इस मामले की जाँच समय सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया जाए। अब हिंडनबर्ग के नए आरोपों के बाद विशाल तिवारी ने एक और नई याचिका दायर की है कि उसी परसुएंस में अब सेबी पे नए आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कि सेबी चीफ का और उसके हस्बैंड का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है और इन सब को लेकर काफ़ी जो नया इशू है वो फिर से रेज हुआ है। तो हमारे द्वारा यह आधार लिया गया है कि भले ही ये आरोप निराधार हों और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक डाउट क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के मन में कि वाकई में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, तो इसलिए हमने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो सारी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म द्वारा बीते शनिवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें उनके अडानी ग्रुप से लिंक होने का दावा किया गया था। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए संवाददाता गोपाल कृष्ण की रिपोर्ट।